बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव जी आपके साथ, मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट है भाई आईफोन एक्सेस मैक्स, इसकी वीडियो शेयर करता हूं मैं। अच्छा, इसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले भी चार से पांच या इससे भी ज्यादा शेयर कर चुका हूं। अक्सर भाई मुझे इस चीज़ यानी कि इस मोबाइल को लेकर अभी भी कमेंट करते हैं या और बहुत से मोबाइल्स के मुतल कमेंट करते हैं। तो भाई आप सब भाइयों के लिए ये है कि यहाँ पर आपको मैं स्क्रीनशॉट एक दिखा रखा हूँ। आप जाएं मेरे चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मोबाइल रेट्स इन सऊदी अरेबिया, इसके ऊपर भाई क्लिक करें। आपको यहाँ पर तकरीबन मैं सैकड़ों वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपकी मर्जी के मोबाइल की वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप भाई देख सकते हैं और विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके मोबाइल की वीडियो इसी प्लेलिस्ट में ढूंढने से मिल जाएगी। रखा जी आपके सामने आईफोन एक्सेस मैक्स, यार पुराना मॉडल अभी हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत सी इसकी वीडियो भी शेयर करती हैं, लेकिन भाइयों के कमेंट बहुत आते हैं और यूज़ेबल में आप यकीन करें, मैं कुछ ऐसा पीस देखता हूं जब मुझसे भी रहा नहीं जाता है। आप भाइयों के साथ वीडियो इसकी शेयर कर देता हूं मैं। अच्छा, इसकी वीडियो मैं शेयर करता हूं और इसकी कंडीशन वगैरह और इसके प्राइस से भी आपको अपडेट करता हूं मैं। आप भाई अपनी राय भी मुझे ज़रूर दीजिएगा और इसकी लोकेशन वगैरह के से भी आपको अपडेट कर दूंगा। नीचे मोबाइल देख लें और भी माशाल्लाह पड़े हुए हैं, आपने किसी और मोबाइल के मतलब वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, अगर इसके भाई बैक साइड से बात करें तो आपको ये कैमरों का, इसका जो कैमरे का सेटअप है ना, इसने धूम मचाई थी उस वक्त सऊदी अरेबिया का भाई वर्ल्ड वाइड। ये सेटअप ने तो दो कैमरे हैं, दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं। आप इनसे 184 के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनका मिरर वगैरह बिल्कुल ओके पड़ा हुआ है, दरमियान में फ्लैश लाइट दी गई है। इसमें कोई किसी किस्म का इनके मिरर के इर्द गिर्द जो कलर इस्तेमाल किया गया है, मैं मसला नहीं देख रहा हूँ। अगर प्रोवन का लोगो है, नीचे आईफोन लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय कैलिफोर्निया बाय चाइना, तो भी बैक साइड से बिल्कुल ओके है जी। नीचे से बात करें, स्पीकर गिलंग आपको चार्जिंग की जगह मिल जाएगी। स्पीकर गिलंग में यार को धूल वगैरह ये कोई मसले नहीं होते हैं, चार्जिंग की जगह बड़ा रिप्लेसमेंट नहीं है। साइडों से मैं कोनों से मोबाइल को चेक कर रहा हूँ, ऊपर नीचे से देख रहा हूँ भाई मोबाइल में कहीं कोई मसला तो नहीं है, मोबाइल कहीं खुला तो नहीं है, मोबाइल कहीं गिरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मसला मैं नहीं देख रहा हूँ। हल्की फुल्की खराश इसमें होती है, ये कोई मसला नहीं है, वो भी भाई किसी मैंने साइड या कोने पर देखी है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंच बड़े साइज का एक डिस्प्ले मिलेगा भाई, और ये मोबाइल मैं बोलता हूँ बहुत ही पावरफुल, यानी कि सेफ्टी के लिहाज से आईफोन के मोबाइल सब ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ बनाया गया है। अगर यहाँ पर मैंने आपको कैमरे का रिजल्ट भी चेक करवा दिया है, और बैटरी हेल्थ की अगर बात करें तो आप देख रही आपको यहाँ पर 88% की तो गुड कंडीशन में आती है। अगर 90% होती तो फिर मैं इसको भाई वेरी गुड कंडीशन में मानता, लेकिन गुड कंडीशन में आती है, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर बात करें इसके स्टोरेज के मुतलक, आपको 64, 256, 512 GB तीन स्टोरेज के साथ ही आता है, वही आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स वाली स्टोरेज है जी, 64, 256, 512 यानी कि 128 GB गैप है जी। और रैम एक ही यूज़ की जाती है जी, वो जी 4 GB। अगर इसके भाई मैं यहाँ पर इसके प्राइस से आपको अपडेट कर दूँ यार। अच्छा, यहाँ पर मैं इस शॉप वाले को बोल रहा था, क्योंकि प्यार मोहब्बत करके मुझको प्राइस बताना, एक ही रेट बताना, तो वो मुझको बोल रहा था भाई एक बात बोलूँ, मैंने बोला बोल, वो बोलता 2300 रियाल। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से उसने मुनासिब मांगे हैं इसके पैसे। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। और लोकेशन के मुतलक भाई मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि जद्दा फलस्तीन मोबाइल मार्केट में ये अवेलेबल है। आप भाई मुझे लोकेशन के मुतलक बहुत पूछते हैं, मार्केट का विजिट करें आपको भाई ये मिल जाएगा। हाँ, जो शॉप वगैरह के नेम वगैरह होते हैं भाई, वो अक्सर दुकानदार होते हैं, वो बोलते हैं हमारी शॉप का भाई नाम मत देना, तो इसलिए मैं नाम जाहिर नहीं करता हूँ आपको, बस वो मोबाइल मार्केट बता देता हूँ। अगर आप जद्दा में मुकीम है तो आप विजिट करके ले सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। उधर आप 2, 4, 5, 10 दुकानें घूमेंगे तो आपको ये मिल ही जाएगा।